अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी वो सब प्रोडक्ट्स जो मैंने पाकिस्तान के कुछ फेमस कुछ नॉट सो फेमस इंस्टाग्राम पेजेस से ली हैं, और वैसे भी जो मैंने कुछ बाज़ार वगैरह से भी चीज़ें ली हैं तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी और उनका बाकायदा रिव्यू भी दूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस बैग फ्रॉम ए स्टोर। तो ये बैग मैंने ए स्टोर से जब लिया था, इसकी पिक्चर्स जो थी वो काफ़ी डिफरेंट थी फ्रॉम वट आई गॉट। बात खैर, मैंने ये बैग यूज़ भी नहीं किया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कोशिश भी मैंने की थी लेकिन मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग सा ये जो है ना ये मेरा प्रोडक्ट आया। सबसे पहले तो इसकी जो हालत है, ठीक है, काफ़ी बेचारा पिचक गया कुछ इसका हालत ख़राब सी हो गई। इस तरह की हालत में ये मेरे पास आया है, और ये जो इसके नीचे ये लगे हुए हैं इसको स्टैंड करने के लिए, इनकी आप हालत देखें, मतलब ये ग्रीन हुए हुए हैं, पता नहीं डिसकलरेशन से कुछ हुई हुई है, मतलब अजीब ना। प्राइस के लिहाज से दिस बैग इज़ हॉरिबल, क्वालिटी तो इसकी कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, अब अंदर से जब मैं आपको दिखाऊंगी, सो इसकी सारी स्टिचिंग, सारे ये जो है ना ये लगे हुए पेच वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है, कोई अंदर फैब्रिक नहीं लगा हुआ, नीचे तक ही बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और ये इसकी हालत है, मतलब दिस इज़ द बैग फ्रॉम द इनसाइड। इसी तरह जिप भी ऐसे जैसे इसको जंग लगा हुआ है, ये हालत है इसकी। क्वालिटी इस बैग की बहुत ही ख़राब है, मतलब हर चीज़, हर स्टिचिंग, हर ये जिसका लोगो भी लगा हुआ है इसका भी आपको अंदर हुक नज़र आ रही है। पिक्चर्स में हालांकि पेज पे मेंशन है इसी तरह की पिक्चर्स इसकी लगी हुई हैं पेज पर भी, लेकिन मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि इतनी बुरी हालत होगी इसकी। सो दिस इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। दिस बैग फ्रॉम ए स्टोर इज़ अ टोटल फ्लॉप, और मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इनकी कोई और चीज़ ले पाऊँगी। और जितना इसको एक्ट्रेस ने प्रमोट किया हुआ था और ब्लॉगर्स ने किया हुआ था, मतलब दिस क्वालिटी इज़ ट्रैश। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का ये ग्लो SPF, और ये मैंने यूज़ किया और मैं कर रही हूँ एज यू कैन सी। ये बहुत अच्छा लगा है मुझे एक्सपेक्टेशंस इससे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने इनका विटामिन सी सीरम यूज़ किया है, मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ उसे क्योंकि मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। विटामिन सी सीरम जो इनका था उसने मेरी स्किन को इतना इरिटेट किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं उसको लेकर भी नहीं आई, मैं उसे वहीं पर फेंक कर आ गई पाकिस्तान में, ठीक है। और बस बात यह है कि हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती है। बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है और गायब हो जाता है, आपको हल्का सा ये ग्लो देता है, और वो मतलब हेल्दी ग्लो नहीं होता बिल्कुल, वो चिकना चिकना वाला नहीं, जैसे आप कुछ सन ब्लॉक्स लगा के तो पूरे ऑयल ही नहीं ख़त्म होती आपकी फेस से, ऑयल ही नहीं जाता, ये वो सिस्टम नहीं करता है, लेकिन ये एक हेल्दी ग्लो देता है। और साथ ये बहुत अच्छा सन ब्लॉक है, मैं इसको यहाँ की गर्मी में यहाँ की धूप में यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मुझे ये बहुत पसंद आया है। और फिर उसके बाद ये मैंने जो मिस रोज़ की लिपस्टिक्स यूज़ की हैं, काफ़ी लंबा अरसा मैंने यूज़ किया है, और इनकी हालत भी मैं आपको दिखा दूँ ताकि ये ना लगे किसी को कि यूज़ नहीं हुई हुई, ये बेचारी काफ़ी यूज़ हुई हुई है तो जो है ना, लेकिन इनकी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं जो इनकी प्राइस है उसके लिहाज से। साथ में इस साइड पे आपको इनका लिप लाइनर मिलता है, मेरे तो लिप लाइनर भी तबाह हो गए, इनकी कोई हालत नहीं रही बेचारों की। जस्ट ट्विस्ट इट लाइक दिस और ये लिप लाइनर आ जाता है, और ये बहुत ही अच्छी हैं इनकी लिपस्टिक्स, प्राइस वाइज बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। और ये तीन शेड्स मैं इनकी यूज़ किए, रेड और ये वाला मेरा फेवरेट है। ये कौन सा शेड है, वेल इट्स नॉट मेंशन, ओके दिस इज़ द शेड, और ये बहुत अच्छा है, और ये शेड 11 रेड, और दिस वन ये ब्राउनिश जो है मैं इसे अक्सर मिक्स करती हूँ दूसरे कलर्स के साथ। और ये मैंने तीन शेड इसकी यूज़ किए। मिस रोज़ की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, बस शेड का होता है कि थोड़ा से कुछ में बहुत ही अजीब अजीब से शेड्स। फिर उसके बाद जी मैंने ये बहुत ही एक्सीडेंटली मैंने ये बाय किया, ये है जी वैसलीन के लिप थेरेपी। ये लिप बाम मैंने अपनी बहन से चुराया है और मुझे इसमें कोई गम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है। और ये मेरे ख्याल से उसने डी वॉटसन या शाहीन केमिस्ट से लिया था शायद, तो ये इस तरह से अवेलेबल है। मेरे ख्याल से 300-400 का है ये लिप बाम, लेकिन अगर आपके ड्राई चैप्ड लिप्स हैं उफ़
ये आपके लिए लाइफ सेवर होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत इसमें स्लाइटली छोटा हल्का सा टिंट भी देता है आपके लिप्स को और ओवरऑल सॉफ्ट कर देता है। तो ये अंदर से भी देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। ये ख़त्म होने वाला है बिल्कुल, बेचारे का बिल्कुल टेन नज़र आने लग गई है। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब मैं आपको दिखा दूँ टिंट भी इसका, स्लाइटली टिंटेड सा है ये। ये लिप बाम है, अगर आपको दूसरा नहीं मिलता है तो आई हैव यूज दिस वन टू। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है मेरे ख्याल से, ये उससे थोड़ा सा अफोर्डेबल है, और ये वाला शायद इजीली मिल जाए क्योंकि इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मतलब ये लिप बाम भी बहुत मज़े का है, ये चाइना का है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी सेम शायद शाहीन केमिस्ट से मिलता है, या मुझे इस एग्जैक्टली नहीं पता बिकॉज माई सिस्टर बॉट इट फॉर मी, और ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। अच्छा, फॉर ऑल द ड्राई स्किन गर्ल्स, अगर आपको कोई फेस वॉश यूज़ करने के बाद बुरी हालत हो जाती है तो ये क्लियर डार्क फेस वॉश मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था। ये मेरे ख्याल से अराउंड 500 समथिंग इसकी प्राइस है और ये बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मेरे ख्याल से ये शायद इसका पेज होगा, आप यू कैन सर्च फ्रॉम दिस नेम, शायद आपको ऑनलाइन मिल जाए, मुझे तो डर्मेटोलॉजिस्ट की उससे ही मिला था। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लेटर आई 16 कलर पैलेट है इनका, और यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं यूज़ किया है। ये मेरे ख्याल से आई गिव इट अ 7 out of 10, 6, 6.5, 7 out of 10। और ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है पैलेट, जिसको ग्लिटर्स का शौक है लेकिन पैलेट कोई अच्छी अफोर्डेबल नहीं मिल रही तो यू कैन बाय दिस पैलेट, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। 16 कलर्स हैं, ग्लिटर आईज इसका नाम है, और ये है जी स्वीट फेस की पैलेट। तो ये थी जी लास्ट में कुछ ज्वेलरी के पीसेज जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इंस्टाग्राम से नहीं लिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत महंगी ज्वेलरी मिलती है, तो ये कराची कंपनी इस्लामाबाद से लिए हैं। ये जो सेट है वो 800 का है, और यही सेम मैंने देखे थे इंस्टाग्राम पे, तो वो 1200 1500 के आराम से मिल रहे थे। और बाकी ये जो सिंगल वाले जो झुमके हैं ये हैं अराउंड 400 के। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।